तो कोई बचाएगा? जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा? आप हमको समझिए, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्या सर? भैया सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दे न दे, सुरक्षा उरक्षा की चिंता मुझे नहीं है। सरकार को देना हो दे, ना देना हो दे ना दे, और ना मैं अपराधी से डरता और ना मैं मरने से डरता। शिक्षा माफिया, बालू माफिया और स्वास्थ्य माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे मारने की भी धमकी दी जाती है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है और कहा है कि मुझे जेट सुरक्षा जो है वो दी जाए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। कह रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव दिल्ली से बीते दिन पटना लौटे और पटना लौटने के बाद पप्पू यादव काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो पप्पू यादव काफी ज्यादा बरसते हुए नजर आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, उन्हें जान से मारने की साजिश की जा रही है। क्या कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा? मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लेगा? मैंने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है और जेट सिक्योरिटी की मांग भी की है। दरअसल आपको बताते चले कि पप्पू यादव जब से पूर्णिया के सांसद बने हैं तब से काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। करके एक तरफ जहां पप्पू यादव पूर्णिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के सामने, संसद में भी बजट सत्र के दौरान पप्पू यादव बकायदा सदन में खड़े होकर केंद्र सरकार से कई बड़ी चीजों को लेकर मांग करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में पप्पू यादव जब राजधानी पटना लौटे तब काफी ज्यादा बोलते हुए नजर आए और काफी ज्यादा भड़कते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए नजर आए। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जा रही है, कहीं भी लूट लिया जा रहा है। खास करके अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में कुछ दिन पहले जिस तरीके से तनिक ज्वेलर्स में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, उस लूट पर भी पप्पू यादव काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आए। एक तरफ पप्पू यादव का कहना है कि मुझे भी धमकियां मिल रही है, मुझे भी मारने के लिए साजिश रचा जा रहा है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे सूली पे लटका दीजिए, आप मेरे साथ कुछ भी कीजिए, मैं आम जनता के लिए खड़ा हूं, मैं आम जनता के लिए बोलूंगा। साथ ही साथ पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बड़ी मांग कर दी और कह दिया है कि मुझे जेड सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। क्या कुछ पप्पू यादव बोल रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर, अपराध को लेकर किस तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। मारना होगा तो कोई बचाएगा? जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा? आप हमको समझिए, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्या सर? भैया सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दे न दे, मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं और मुझे लगता है कि भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहां से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं, या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और कौन व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूं कि भट्टी जी को काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी गई आज तक, यह सबसे बड़ा सवाल है। और भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना। सुरक्षा उरक्षा की चिंता मुझे नहीं है। सरकार को देना हो दे, ना देना हो दे ना दे, और ना मैं अपराधी से डरता और ना मैं मरने से डरता हूं। जिसको मारना हो, माफिया के खिलाफ लड़ाई है, मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई है, जमीन माफिया के खिलाफ लड़ाई है। कल भी सदन में मेडिकल माफिया के खिलाफ मैं आग उगला हूं, एजुकेशन माफिया, ये जितने एजुकेशन माफिया उसके खिलाफ मैं हैशटैग नीट। तो एजुकेशन माफिया पर निरंकुश लगना चाहिए, उस पर गाइडलाइन होना चाहिए और सरकार एक नियमावली बनाए किसी भी कीमत पर। सबसे ज्यादा शोषण बिहार के बच्चों का एजुकेशन माफिया कर रहा है, इसलिए है सीधा लड़ाई है, एजुकेशन माफिया से भी है, मेडिकल माफिया से भी है, इसीलिए जान की चिंता मुझे नहीं। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात बिल्कुल गलत है, मैं इसको ओबीसी को पहले ही बर्बाद कर दिया, अभी एसटी एससी को बर्बाद करना चाहते हैं। इस पर सदन में चर्चा की जरूरत है, जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाने की जरूरत है।